एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, उसमें आपको टाइप करना है www.onlinesbi.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो आने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन पे फिर से आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहां पे यूज़र नेम अपना डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड इंटर करेंगे, उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं इस बॉक्स में आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे यहां पे जो है क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पे फटाफट यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर देते हैं, उसके बाद हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो है इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। SBI में पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक आप क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक आप बेनिफिशियरी ऐड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक ट्रांसफ़र बताऊंगा। तो यहाँ पे क्विक ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफ़र का ये मतलब है आप इनिशियली आप 10,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बेनिफिशियरी में क्या होता है, आपको जो है बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है, उसके बाद 24 घंटा में आपको एक्टिवेट होता है बेनिफिशियरी, तभी आपको जो है पैसा उस व्यक्ति को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे आ चुके हैं क्विक ट्रांसफ़र पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियरी का नाम, जिस व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर, फिर से उसी व्यक्ति का आपको अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करना है ताकि कन्फर्म हो जाए। उसके बाद अगर उस व्यक्ति का SBI अकाउंट है तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करके रख देना है। उसके बाद अदर बैंक है तो यहाँ पर अदर बैंक पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो IFSC कोड इंटर कर देंगे। उसके बाद सेलेक्ट ट्रांसफ़र मोड, यानी कि किस मोड से आप जो है पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दो मोड मिलते हैं, एक है IMPS, उसके बाद है एक है NEFT। NEFT से कुछ समय लगता है पैसा ट्रांसफ़र होने में, उसके बाद यहाँ IMPS से तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे हम IMPS पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 रुपये आपको एक डेमो के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक पर्पज़ आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी डोनेट या रेंट, तो हम यहां पे डोनेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहां पे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहां पे आपको एक बात ध्यान देने वाली ये बात है, अगर आप क्विक ट्रांसफ़र करते हैं तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। इसे डिटेल आप जो है एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड नाम का एक OTP आएगा, यानी कि OTP के ही तरह होता है। तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं योर IMPS फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन नंबर है, यानी कि रेफरेंस नंबर है। तो आपको भी इसी तरीके से अगर आप क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप इस IMPS सर्विस से क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।